यार चोरी तो सबने की है यार, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं मैंने नहीं की, मैंने भी चुराया है भाई। क्या कातिल हसी आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर, मतलब इन गेम राइट। मेरे तो पूछो मत यार, बहुत मेरा अलग ही दर्द है, अभी नहीं जाते उस पे। मेरा अनिल कपूर सिंड्रोम है। Oh shit. जाने दो मेरे को। Hello. What's up? Hello guys. What's up? Today we are doing Never Have I Ever Challenge. और जो हमें host कर रहे हैं, hello, वो सun सकते हैं हमारी आवाज? बिल्कुल सुन सकते हैं जी, hello. शुरू करो ना। चलिए शुरू करते हैं। डेयर सारे दिखा दो अपने क्या क्या लेकर आए हो। हाँ। वाइटालिटी वालों ने बोला कुछ कुछ खाने को ले आना, तो मैं तो चॉकलेट लाया हूँ। ऋषभ चॉकलेट लाया, रचित रचित फाइव स्टार लाया है, जाया मैं चाय लाई हूँ यहाँ पे, मेरे पास चॉकलेट नहीं था। चाय काउंट करता है क्या? चॉकलेट नहीं था घर पे, अब यार अब जाके बहुत ठंड है भाई। की बात हुई थी। अरे और भाई आप क्या लाए हो? मैं पर्क, पहली बार पर्क। तीन लोग चॉकलेट वाले हैं, चलेगा कोई नहीं। आधी चॉकलेट तो मैंने खा भी लिया भाई, इतना मन कर रहा है भाई। मैं तो इतनी बड़ी वाली डेयरी मिल्क लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछूंगा, अगर तुमने वो किया है तो तुम बाइट लोगे। अगर जवाब है नो तो ऐसा वी फॉर विक्ट्री वाला अपने हाथ से दिखा देना। ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो नेवर हैव आई एवर रेज क्विट अ मल्टीप्लेयर मैच। ना तो अभी 10 मिनट पहले ही फोर्टनाइट में ऑल्ट F4 दबाया सीधा। मैंने रिसेंटली नहीं किया है, बट पहले बहुत करती थी जब मैं बहुत रेज करती थी गेम्स में। आजकल थोड़ा तो कम गया है, बट मैं लैंड हुआ, उसके बाद मैं उड़ते उड़ते गया, फिर मैं मार रहा, एक को मारा, दो को मारा, बाकी दो आके मेरे को मार गए। मैंने कहा मेरी टीम का है, वो कह रहे तू आगे चला गया ऑल्ट F4। गेटिंग ओवर इट रिकॉर्ड कर रहा था आज के दिन भाई। ओ हाँ, गेटिंग ओवर इट मैंने भी किया था। वो तो नहीं, वाइटालिटी के लिए जब हम खेल रहे थे उसी टाइम पे मैं बोली भाई और नहीं हो पाएगा ये। दैट गेम डजंट इवन काउंट, वो मल्टीप्लेयर है भी वैसे भी। वो तो बड़े-बड़ों को करवा देती है यार, वो बड़े-बड़ों को करवा देती है। ठीक है ठीक है, तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नेवर हैव आई एवर स्टोलन एनीथिंग। भाई मैंने बचपन में अपनी मम्मी के वॉलेट से रुपए चुराए हैं भाई बहुत बार, तो वो चोरी तो हुई भाई। ओके हाँ, इनोसेंट चोरी थी वो। मैंने भी चुराया है भाई। क्या कातिल हसीनाओं के दिल। यार फैंस भाई, के दिल चुराए हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट हसीनाओं के दिल मैं बता देता हूँ। मैं और मेरी बहन, तो हमारे जो लेट ग्रैंडफादर थे उनके बेड के नीचे ना वो ऐसा बहुत चिल्लर रखते थे, तो जब वो ऐसा दोपहर को सैर वैर करने के लिए बाहर जाते थे घर से, तो हम वो ऐसा उठा के कभी 2-3-4 रुपए से निकाल लेते थे। सबने किया भाई ये, पैसे वाला सबने किया है, मोस्टली हर किसी ने किया है भाई। जो सही में मतलब पता नहीं, अब मेरा मेमोरी उतना अच्छा नहीं है तो मेरे को याद नहीं है, बट छोटे छोटे बच्चे पॉकेट मनी नहीं, मतलब मैं मॉम डैड को मांगती थी। बारहवीं तक मेरे को हर बर्थडे में बारहवीं मिली थी। जिंदगी में कभी पॉकेट मनी नहीं मिली भाई मुझे। बारहवीं में मिलनी शुरू हुई थी 200 रुपए। बारहवीं में मैं खुद कमा रहा था, तो जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। इमोशनल डैमेज। चलो आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर, उनको लगता है बारहवीं में कमाई शुरू कर दी है ताकि बड़े बड़े कोटी बंगले वालों को लगे कि ये भी कोटी बंगले वाले हैं। चलो भाई चलो ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ, विच इज नेवर हैव आई एवर मिस्ड अ फ्लाइट। बहुत बार ये तो मैंने कभी नहीं मिस किया है सही में। नहीं मैं हमेशा 3 घंटे पहले से जाके वेट करती हूँ मैं फ्लाइट। नहीं ये बड़े यूट्यूबर्स के चोचले हैं एक्चुअली। देखो दो बार फ्लाइट मिस हुई है। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 घंटे पहले ही निकल गया था मैं घर से, और मेरे घर से आधा पौना घंटा दूर है एयरपोर्ट, फिर भी मिस हो गई क्योंकि इतना जाम था कि 3 घंटे में पहुंचा ही नहीं मैं एयरपोर्ट। और एक बार मिस हुई थी जब सुबह सुबह की फ्लाइट बुक करवा ली थी मैंने, और मेरे को लगा था वो शाम की है। सो बेसिकली 6 बजे की बुक करवानी थी, तो मैंने 6 बजे की बुक करवा ली। मेरे साथ ऐसा हुआ था, शाम के 6 की जगह सुबह 6 हो गई। बहुत मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ ट्रेन मिस होने वाला था मुंबई ट्रैफिक की वजह से, बट फिर मैंने फिर दूसरा स्टेशन पकड़ लिया तो वो मिस नहीं हुआ फिर भी। बट आज तक कभी छूटा नहीं है मेरा।
एक और बढ़िया चीज बताता हूँ मैं। तो वो जो 6 बजे की फ्लाइट करवानी थी शाम की, पर सुबह की 6 बजे करवा ली थी, तो उसमें क्या हुआ था कि एकदम से ना 5:45 के अराउंड, 5:30, 5:45 के अराउंड सुबह सुबह मैं सोया पड़ा हूँ, जयपुर में था, खराटे मार रहा हूँ, एकदम से फोन बजता है, हेलो सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम स्पाइस जेट, आप अपनी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं? मैं यस कर रहा हूँ। सर आप अभी तक तो आए नहीं है। मैंने कहा अभी क्यों आना है? मैंने कहा बस अब सुनो, मैंने आगे क्या बोला, मैंने कहा बस आप फोन कट करो, अभी पहुंच रहा हूँ। सेम बता, ऐसा मेरे साथ हुआ था, बट इससे भी बहुत डिफरेंट। मैंने ना फ्लाइट बुक करी थी, लाइक मेरे को जाना था 2 जुलाई को मुंबई, ठीक है, बट मेरे पे फ्लाइट बुक हो गई है 2 अगस्त की। तो मैं ना मेरे माइंड में लग रहा है कि मैंने 2 जुलाई की करी है, एंड मैं 2 जुलाई को पहुंच गया भाई एयरपोर्ट पे, ठीक है, एंड मैं उसको दिखा रहा हूँ भाई, और मैं उस टाइम तक रियलाइज नहीं कर रहा हूँ कि भाई उसमें 2 अगस्त लिखा हुआ है, मैं 2 जुलाई को एयरपोर्ट पे दिखा रहा हूँ उसको मेरी टिकट। भाई सामने वाला बंदा बोलते हैं भाई आप 1 महीने पहले आ गए, बोरिया मिस्टर लेके आना चाहिए था 1 महीने पहले। और रियल वाज लाइक व्हाट, भाई आप 1 महीना पहले आ गए हो। तो 4 घंटे पहले भी आजान से बोलते हैं मैडम अभी नहीं, आप 1 घंटा बाद आओ, 1 महीना पहले आ गई। मुझे तो वो नहीं बोलता, वो कह रही है आप आ रहे हो फिर, मैंने कहा आप फोन रखो बस पहुंच गया। और औरम तुमने किया है क्या? नहीं मैं सुन रहा था। औरम भाई इतने सीधे हैं एकदम, जब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना उस पे ऐसा जूम इन करके औरम लिखा हुआ, औरम ही दिखता है भाई। ये बढ़िया था, ठीक है, वो वक्त वक्त बताएगा, अभी अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर यूज समवन्स एल्स टूथब्रश। नहीं भाई ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करा, याद से नहीं, देखो इट वॉज अ मिस्टेक से गलती हो गई थी, जान मुझ के नहीं मिस्टेक से हो गया था एक बार, ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी मैं। और क्या बोला आपने अभी? नहीं लाइक शादी हो गई ना तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक से गलती, बोलने वाला था बट फिर मैं कंफ्यूज था क्या मुझे ये बोलना चाहिए नहीं वो रहता है ना शादी, ट्विनिंग करने का, तो टूथब्रश में भी शादी नहीं कोई जेन्युइनली जान के एक दूसरे का टूथब्रश कभी नहीं यूज करेगा, वो है थोड़ा हाइजीन इश्यूज हो जाता है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। नहीं हाइजीन इश्यूज उनमें नहीं होते, छपरी निब्बा निबी इसमें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर फॉलन असलीप इन पब्लिक। हाँ मैं ये भी नहीं सोया हूँ, हाँ ये भी नहीं, क्लास में सोया हूँ भाई, मैं बस में सोया हूँ तो वो बस में सोए, ट्रेन में सोए, थिएटर में सोया है कभी, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि सबके सामने, ऐसा नहीं है सभी सोते हैं। अच्छा मतलब ट्रेन, आई मीन बस, ट्रेन और बस नहीं क्या, थोड़ा ऐसा कॉमन नहीं हो वैसा सिनेरियो। मैं एक बार शादी में सोई थी, बहुत लेट नाइट का शादी था ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मेरा फिर भी यही है क्योंकि मेरा पता नहीं कुछ ऐसा है कि मेरे को नींद नहीं आती बाहर कभी पब्लिक में नहीं, मतलब वैसे ही कहीं भी चले जाओ ना, जैसे मैं प्रेरणा के घर भी जाऊंगा और वहां पे भी अगर हम बैठे हुए हैं और बहुत देर बैठे रह गए तब भी मैं नहीं सोऊंगा वहां पे, अगर मेरे को पता है मेरे को घर वापस आना है तो मैं घर ही आके सोऊंगा, मेरे को ऐसे नींद आती ही नहीं है, मेरे को संभव पता नहीं ऐसा, नींद पे कंट्रोल है काफी काफी भयंकर, मैं पूरा ऑपोजिट हूँ, मैं जैसे ही 11-12 बजे मेरे आंख ऐसे ढलने लगते हैं। तो इसके लिए आई थिंक बिकॉज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और मेरे को एक याद है कि मैं ऐसा 2 रात नॉन स्टॉप, पूरा दिन रात, फिर दिन रात और अगली सुबह तक नॉन स्टॉप जाग के मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था पूरा, तो आई थिंक तब से एक वो नींद पे ना ऐसा हो गया है कि जब अब मेरा मन करता है तभी सोऊंगा मैं, नींद पे नियंत्रण। बट स्टडी, आई मीन स्टडी के टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत लोगों ने किया हुआ है, तो ये तो मैंने वो भी नहीं किया, स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं किया, मैं क्या कर रही थी, जल्दी सोती थी और जल्दी उठ के फिर पढ़ाई करती थी, मेरे को नींद रात में चाहिए। मैं पब्लिक प्लेस में कौन पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता था कभी पब्लिक प्लेसेस में, मैं घर पे या हाँ बस घर पे ही पढ़ता। वैसे एक और फैक्ट है, कम सोने वाले ज्यादा तरक्की करते हैं लाइफ में। हाँ ये एक फैक्ट है ना ये, हाँ सोना चालू, आज से हम नहीं सोएंगे, वो रात भर काम करते एकदम। मैंने वैसे काफी लोगों को ना मोटिवेशन के लिए ये चीज बोली भी हुई है, मैंने कहा अगर तुम अपना काम
कंपेंसेट कर रहे हो ना नींद से, नींद तो के तुम लिए लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये तो एक तो फैक्ट है, ये तो मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत। मुझे मैं पढ़ाई भी अगर मेरा जल्दी सोती थी और जल्दी उठ जाती थी करने के लिए। अगर काम है या पढ़ाई कर रहे हो तुम, जो भी है, जब तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगी उससे, तब तक मैं तो नहीं सो सकता एटलीस्ट। True. Absolutely. वो तो मैं भी agree करता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं next question पे, which is never have I ever used a walkthrough for a single player game. भाई नहीं, ये तो मैं खा रहा हूँ chocolate. हाँ यार, obviously ये तो बहुत common है, बहुत common है। 99% of the YouTuber जो कोई सा भी gameplay खेलते हैं, वो एक ना एक जगह पे फंस जाते हैं, फिर वो YouTube पे जाके चेक करते हैं इसको कैसे करना है। I mean, YouTuber नहीं, ऐसे normal भी लोग करते ही होंगे। normal gamer, हाँ। हाँ, बट ये क्योंकि मेरा ये आई थिंक दूसरा एस है, तो मैं बता सकता हूँ कि स्पेशली फॉर हिटमैन, क्योंकि मैं हिटमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, हिटमैन जो सीरीज है पूरी मैंने हर एक गेम खेली है, तो उसमें जो स्टेल्थ मिशंस, एक्चुअली सारी स्टेल्थ मिशंस होते हैं, बट कुछ कुछ इतने ज्यादा टफ होते हैं ना, ट्रिकी होते हैं थोड़े बहुत। हाँ, मतलब उसमें आप असैसिनेट कर ही नहीं सकते हो बिना वॉक थ्रू देखे, इतने टफ होते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि यार नहीं हूँ मैं उतना बड़ा जीनियस, तो उसके लिए मैं जरूर मैंने देखे हैं बेसिकली। मैंने ऐसे कभी कभी पजल गेम के लिए कभी कभी देखा है, ऐसे गेम के लिए करा होगा, लेकिन बस ऐसे खा लिया, क्योंकि किया तो होगा ही। मैंने भी किया है, बट एकदम से याद नहीं है। ठीक है, तो भाई मैंने ग्रैनी के लिए कितने बार किया था, है रहा था ग्रैनी नहीं आता था भाई, हाँ जब छोड़ा था भाई, किया होगा शायद, किया होगा याद नहीं। यार आपने भी किया होगा, झूठ मत बोलो, किया होगा। हाँ वही ना, कितने गेम्स खेले। अब तो इतने अच्छे से आती है ना कि ऐसा लग रहा है ग्रैनी के लिए यूज करूंगा मैं प्ले थ्रू, पर तब जब नहीं आती होगी तो किया ही होगा शायद। भाई भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Never have I ever gone 24 hours without showering. ठीक है, मेरा भी हो गया, सबका हो गया, I think सबका हो गया। नहीं आया हूँ तो मैं तो ये नहीं expect कर रहा था मैं वैसे। मैंने भी किया है वैसे। भाई girls का सबसे ज्यादा होता है ये, ठीक है, बहुत बड़ी ज्यादा होता है actually। हो girls भी नहीं आती, और स्पेशली नहीं था, स्पेशली स्ट्रीमर्स भाई, स्पेशली स्ट्रीमर्स पूरे दिन। आई मीन मैं ऐसे दो तीन दिन ऐसे घर में ही रहती हूँ, तो लाइक आई डोंट फील लाइक आई नीड, आई डोंट फील द नीड। स्पेशली वो स्ट्रीमर्स जो कि अपने बाल कलर करा के रखते हैं, वो हाँ, ताकि कलर ना फेड हो जाए जल्दी। तुम्हें वो वाला मीम नहीं याद क्या, वो छोटा बच्चा कहता है पापा मेरे को तो पता ही नहीं था गर्ल्स भी पॉटी करती है। हाँ मैं वही बोलने वाली थी, हम पॉटी भी करते हैं, मुझे तो अभी तक लगता है। तो वैसा ही था, बट लाइक ये तो दो दो मेरे ख्याल से रचित तो अभी भी ना बैठा हुआ है। तो I mean मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम 24 घंटों की बात करो, मैं पिछले 3 दिन से फिर यहाँ चल रही है 72 hours। तो वैसे रिवील नहीं करना चाहिए था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Never have I ever lied about my age. ऐसे मजाक में या फिर seriously? Facebook पे एज भरते हैं जब उसको काउंट करेंगे? हाँ, कर लेते हैं तो फिर तो करें। तो फिर किया है? सब नहीं करा यार, ये तो मैंने किया, बहुत बार करा है। मतलब वो तो जब मैं 15 साल की उम्र में Facebook अकाउंट बना रहा था, तब मैं 25 का था। ऑर्कुट वाले दिन याद है किसी को? ऑर्कुट पे तो पैदा भी नहीं हुए थे। अभी भी ऑर्कुट नहीं चलाया भाई, फॉर रियल सही में चलाया है। पुराने लोगों ने चलाया है, पुराने जो अरे बूमर फील करवा रहे हो तुम मेरे को। हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम फेसबुक चलाया था मैंने, सोचो ऑर्कुट में बहुत चलाया होगा। 11 चर्चे थे मेरे ऑर्कुट डेज में, है बहुत टेस्टिमोनियल्स से भरे रहते थे मेरे पेज में। होता था क्या, क्या होता था, रेडिट टाइप का होता था क्या ये? आई मीन फेसबुक टाइप का था वो, सेम फेसबुक, हां सेम फेसबुक जैसा ही था बस, बट नया नया लॉन्च हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा हाइप था। अगर ऑर्कुट को गूगल ने एक्वायर कर लिया होता तो आज ऑर्कुट भी होता जिंदा। अच्छा था यार ऑर्कुट, ये डालना जरूर, बिकॉज वी आर ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पावर्ड बाय गूगल, हमारे करता धरता गूगल। गूगल बहुत अच्छा है, अगर ऑर्कुट को एक्वायर कर लेता तो फेसबुक बंद हो जाता। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Never have I ever done a Fortnite dance in real life. नहीं भाई, बहुत बार किया है। बहुत बार मैंने नहीं किया। मेरा तो एक चिकन लेग पीस डांस करके फेमस हो गया था। मैं तो एक गेमर कनेक्ट इवेंट हुआ था उसमें किया था मैंने, अभी भी याद है मेरे को, फ्लॉस वगैरह करवाए थे मेरे से। अरे फ्लॉस तो बहुत बार करा है, पर मेरा फेवरेट पता कौन सा था, ये वाला। हाँ ये भी किया था मैंने, ये भी किया था। ये इमोट्स है ना बेसिकली? हाँ इमोट्स है। हाँ मैंने ज्यादा खेली नहीं तो मुझे पता नहीं है उसका। ओह मैन, पबजी में घुसे रहते हैं यार पूरा टाइम, कहाँ पबजी वालों ने भी तो लाया है इमोट्स, डांस वगैरह, बियर्ड
बहुत कलर्स है, बहुत कलर्स है, बहुत कलरफुल है। अभी कुछ तो भी चेंज किया है ना फोर्टनाइट में, आई थिंक। और ग्राफिक्स बढ़िया कर दिया उसके। खेलना पड़ेगा। अरे जीरो बिल्ड खेला तो है इतना। लास्ट टाइम आपने मेरे साथ ही खेला होगा। हाँ, लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ही खेला था, उसके बाद नहीं खेला। देखो मेरी चॉकलेट खत्म हो जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं। तू ऐसे खाली पीली खा रहा है ये रचे तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड आई वाज सिक फॉर अटेंशन। बहुत बार किया। मैं बहुत बीमार हूँ यार, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। भाई मैं थोड़ा सा भी बीमार पड़ता हूँ ना भाई, फिर मेरे को मौका मिल जाता है कि मैं अपनी बहन को बोलूं, अपने भाई से बोलूं, मम्मी को बोलूं कि ये बना दो, ये दे दो, ये दे दो। मैं तो अभी कर रही हूँ वो। मेरे को थोड़ा सा ऐसे खचखच लग रहा है गले पे। I'm like, भाई यार मेरा गला खराब हो गया यार, कोई दवाई ला दो, ये करो। मैं पढ़ा रहता हूँ पूरे दिन, मम्मी कहती है कुछ तो कर ले। मैं यार बीमार हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो मेरे को। पर वो तो एक्सक्यूज है ना काम करने का, ये तो अटेंशन के लिए भी मिलती है ना उससे, लाइक सब ऐसे बचपन में किया है बहुत बार, किया है बहुत बार। अगला सवाल नेवर हैव आई एवर डिलीटेड अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज इट डिडंट गेट थ्रू लाइक्स, एनफ लाइक्स बेसिकली, नहीं मिले उसे। अरे कौन सी प्लेटफॉर्म बोलो भाई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब पे किया है। यूट्यूब पे तो मैंने किया है, एक वीडियो डिलीट किया। यूट्यूब पे मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने अनलिस्टेड किया है वीडियोस। हाँ, अनलिस्टेड वो एक ही चीज है भाई, हटाना एक ही चीज है। मैं तो मतलब वैसे कोई प्लेटफॉर्म बोलो तुम जिस पे एंगेजमेंट अब तो नहीं करता, पहले नहीं आती थी डिलीट कर देता था मैं, व्यूज नहीं आते थे वीडियो हटा देता था मैं। बढ़िया है वैसे, काफी पहले करता था पर सीख लिया मैंने। ठीक है चलो नेक्स्ट वन। इससे हमेशा ज्यादा दिखता है कि ओ सब पे ज्यादा है। पर ये मैं पहले सोचता था, अब नहीं, अब तो किसी पे भी नहीं आते ना। मैं वही बोलने वाली थी, मेरे तो किसी पे भी नहीं आते, अब मैं सब भी थोड़ी डिलीट कर सकती हूं, पूरा चैनल ही डिलीट कर देती मैं। हम भी नेवर हैव आई एवर क्यों कर रहे हैं, हम चाहते तो फॉल गाइस, फोर्टनाइट, फीफा भी खेल सकते थे, बट नेवर हैव आई एवर क्यों कर रहे हैं पता है आपको? एग्जैक्टली व्यूज। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। नेवर हैव आई एवर अटेम्प्टेड अ ट्रेंडी डाइट। मतलब क्या होता है इसका, मतलब क्या होता है? कोई ट्रेंड में ट्रेंडी, हाँ जैसे कीटो, कीटो का ट्रेंड आया था, डाइट वगैरह हो गया। जैसे हाँ, कीटो का आया था कि भाई कीटो किया है मैंने, खाओ खाओ चॉकलेट, ये कीटो है, ये तो भर भर के कार्ब्स है। अरे पहले जब पहले क्या था उसने कैलोरीज, मैंने नहीं किया कभी ऐसे कुछ, मैंने आज तक कोई भी डाइट नहीं फॉलो किया ऐसे। भाई आप पतली हो इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, आपको जरूरत क्या है भाई? मैं जब 100 केजी प्लस था तो मैंने एक ही बार डाइट, तब डाइट की थी मैंने 3 महीने। मेरे को ये बताओ, मैं आपको इतना डाइट से देख रहा हूँ, आप तो पहले और भी पतले थे ठीक है, और अभी तो है 12th में मैं बहुत मोटा था, 12th में 105 106 केजी वेट था मेरा। उसके बाद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी था, फिर मैं उसके बाद वेट लूज किया था, एंड तब मैंने सिर्फ एक डाइट फॉलो करी थी और वो थी भेलपुरी डाइट। मैं दिन में सिर्फ एक बार खाता था खाना और भेलपुरी खाता था बस, और फिर मैं पतला हो गया था काफी। मैं तो मोटा होता चला जा रहा हूं, ये खा रहा हूं यार। बिफोर एंड आफ्टर रखनी चाहिए थी तभी थोड़ा। मेरी ना बिफोर वाली पिक्स, मैं बहुत अशेम्ड होता था उनसे, तो मैं वो सारी उड़ा देता था। ये भी ठीक है, उस वक्त तो मैं या तो खिंचवाता ही नहीं था, और गलती से कोई डाल भी देता था तो मैं अपने उससे हटा देता था। लास्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर टी बैग्ड, मतलब इन गेम, इन गेम राइट? हां और क्या, इन गेम ही होता है असली में, कौन करता? क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई, मैं बताता हूँ, ये कॉम्पी प्लेयर से पूछो। जब टी बैग मतलब मारते हैं ना, मारते हैं ना उनके डेड बॉडी के ऊपर, ऐसे क्राउच से डांस करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, क्राउच करना, ऐसे इंसल्ट करना बेसिकली, कि हमने इनको मार दिया और फिर मार के चॉकलेट खा लेता हूं फिर तो मैं। मैं वही पूरा एक ग्लास पी रही थी। मैं कोई भी गेम, मैं तो फीफा तक में जैसे ऑनलाइन लोगों के अगेंस्ट गोल मारता हूं ना, तो भाग जाए ऐसे, आई एम वे बेटर देन यू, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। अरे बट वो तो माइक पे है ना, वो तो माइक पे है, करेक्टर से उसको करना अपने। हाँ, इंडियन हाँ, वो तो फोर्टनाइट में डांस वांस करते हैं। हाँ वो तो सेम बेसिकली सेंटीमेंट, चॉकलेट ये तो बहुत ही है। सॉरी मैंने दोनों खा लिए, अबे मैंने ऑलमोस्ट आधी खा ली, इतनी बड़ी चॉकलेट, चाय भी खत्म हो गई पूरी क्लास। एक अपने लिए लेके आया था, एक अपनी बहन के लिए, भाई दोनों मैंने खा लिया भाई। बढ़िया रचित, पतला होना चाहता है तो चॉकलेट छोड़ दे। छोड़ दी आज से, छोड़ दी भाई, अब मेरे को भी पतला हो रहा है, पानी पीना भी मोटे छोड़ दे। तुम अरे हो रहा हूँ दोबारा मोटे हो रहा हूँ भाई, पहले मैं पतला, लाइक बीच में भी पतला, सांस लेना भी छोड़ दे। लुक एट दिस, ये देखो।
ये तो मेरा भी है, ये डबल चिन जॉ लाइन फ्लेक्स, डोंट जॉ लाइन फ्लेक्स, मेरा भी डबल चिन है थोड़ा सा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। और ये गाल देखो ना, दाढ़ी तो कटा, अरे आ गई हल्की सी, बड़ी मुश्किल से आती है, रख लेने दो थोड़ी। भाई मेरे को समझ में नहीं आता, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे भाई, मैंने ना कल के दिन अपना लाइक शेप किया वियर्ड, एंड सुबह मैं उठ के देखा ना भाई, दोबारा दाढ़ी आ गई है। मुझे समझ में नहीं आता भाई, निश्चय भाई जैसी दाढ़ी क्यों नहीं हो रही है भाई मेरी, मेरे को भी नहीं चाहिए। तू लकी है, उससे पूछ उसका। ओ भाई तू लकी है, आदमी है भाई, पता है कितनी मुश्किल से आती है, बहुत महीनों में उगती है। मेरे को भी यही चाहिए, मेरे को भी यही चाहिए कि दाढ़ी। इससे क्या होता है ना, जिसके पास जो चीज अबंडेंस में है ना, उसको उसकी कदर नहीं होती है। और भाई के पास क्या एकदम परफेक्ट बियर्ड है भाई, अब हम उनको देख के बोलेंगे भाई काश हमारी भी ऐसे हो, वो बोलेंगे यार काश मेरी ना होती, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल, मतलब मेरे तो पूछो मत यार, बहुत मेरा अलग ही दर्द है, अभी नहीं जाते उस पे, मेरा अनिल कपूर सिंड्रोम है। जाने तो मेरे को बुलबरी जा रहा है यार भाई, बिल्कुल भाई, नेक्स्ट बुलबरीन मैं ही हूँ भाई इंडिया का, बस हाथ से मेरे कांटे नहीं निकलते हैं। एक काम कर, साड़ी पहन ले और फिर बोल मैं टुनटुन मौसी बन के आया हूँ। नहीं भाई, एक सेकंड के लिए मैंने सोचा था भाई ना, ओह माय गॉड, उससे कुछ ना कुछ तो वक्त नहीं करूँ, लेकिन वो मिली नहीं रही है भाई यहाँ पे भाई, इनको टुनटुन मौसी जाओगे ना बहुत। एक सेकंड, मेरे को क्या जाया को पता है, जाया टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, सिंपल दो बंदों में नहीं पता क्या है, कौन है ये, छोटा भीम। हाँ नहीं, छोटा भीम नहीं देखी मैं ज्यादा, नहीं देखा, नहीं देखा मैं, वो शिनचैन डोरेमोन वो सब देखती थी, छोटा भीम, टुनटुन मौसी छोटा भीम की मौसी है जो लड्डू बनाती है, और छोटा भीम की गर्लफ्रेंड टुनटुन मौसी की बेटी है। अच्छा, वो गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, और टुनटुन उसकी चुटकी, चुटकी, हाँ हाँ हाँ, छोटा भीम उसको मौसी बोलता है, तो उस हिसाब से चुटकी तो उसकी कजन गर्लफ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड, मेक श्योर टू लाइक दिस नेवर हैव आई एवर चैलेंज, साइनिंग आउट फ्रॉम एवरीवन ऑफ अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।